मौलिक शक्ति। SBI द्वारा रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद पेन ड्राइव में जब वो सारा का सारा डेटा चुनाव आयोग को सौंपा गया 12 तारीख को, उसके बाद आज चुनाव आयोग ने कल रात को ही इसे लेकर इस डेटा को अपने वेबसाइट पर डालकर पब्लिक कर दिया। साफ तौर पे SBI द्वारा दिए गए डेटा को देखने के बाद चुनाव आयोग द्वारा ये सारा डेटा पब्लिक किया जाता है, जिसके बाद अब जनता ये जान सकती है कि किस पार्टी ने किसे कितना फंड दिया था और किस पार्टी को कितना फंड मिला था, इलेक्टोरल बॉन्ड्स किस पार्टी को कितने मिले थे और कितने के मिले थे। दोस्तों आप जानकर ये चौंकेंगे नहीं कि बीजेपी इसमें अब भी सबसे आगे है। ये तो पहले भी कहा गया था कि बीजेपी सबसे आगे है, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस है, उसके बाद कांग्रेस है और इस तरह से और भी अन्य पार्टियां लगातार लाइन में है। मगर जानकर आपको इस बात पर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे कंपनियों ने इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं और सबसे ज्यादा कीमत के खरीदे हैं, जिनमें सरकार द्वारा कहीं ना कहीं उनको प्रॉफिट हुआ है। और सरकार द्वारा क्या प्रॉफिट हुआ है, किस तरीके से हुआ है, ये सारी चीजें हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि निर्वाचन आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक से जानकारी मिलने के बाद गुरुवार को ही इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा अपना डेटा जो है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को का पालन करते हुए SBI ने 12 तारीख को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा जितना भी डेटा था वो दे दिया था निर्वाचन आयोग को, जिसके बाद अब इसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। SBI की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार उसे दो हिस्सों में बांटा था। पहला हिस्सा 336 पन्नों का था, जिसमें कंपनियों के नाम है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और उसकी राशि की जानकारी दी गई है कि कितने कितने का खरीदा गया है, जो कि कितने पन्नों का है, 336 पन्नों का है। वही जबकि इसका जो दूसरा हिस्सा है वो 426 पन्नों का है, जिसमें राजनीतिक दलों के नाम लिखे गए हैं, यानी किस दल को कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है, उन्होंने कब कितनी राशि के इलेक्टोरल बॉन्ड कैश कराए हैं, उसकी विस्तृत पूरी जानकारी दी गई है, यानी किस पार्टी को कितना कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड मिला, उसको कितने का कैश कराया उन्होंने, ये सारी जानकारी उस 426 पन्नों के डेटा में दिया गया है। ये जानकारी 12 अप्रैल 2019 को 11 जनवरी 2024 के बीच की है, यानी कि 12 अप्रैल 2019 से लेकर के 2024 तक का ये पूरा डेटा है जो कि पेश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने की जो वार्निंग दी थी, उसके बाद शाम 5 बजे से पहले ही ये डेटा जमा कर दिया गया था और डेटा जमा करने के बाद बस इंतजार हो रहा था 15 मार्च का, और 15 मार्च से पहले ही 14 तारीख को ये रात को ही ये डेटा वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया समय अनुसार। और अदालत ने चुनाव आयोग को इसकी जानकारी 15 मार्च शाम 5 बजे तक जो है वो वेबसाइट पे सार्वजनिक करने के निर्देश दिए थे, लेकिन समय से पहले ही ये सारी चीजें हो गई है। आपको बता दें कि इस जानकारी के अनुसार बीजेपी ने इस अवधि में कुल 60 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड का इलेक्टोरल बॉन्ड्स को भुनाया है, यानी कि कैश कराया है 60 अरब रुपए से ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कैश कराया गया है बीजेपी द्वारा। वहीं इस मामले में दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है, जिसने 16 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को इन कैश कराया है, दूसरे ही नंबर पे है, लेकिन डिफरेंस देखिए 60 और 16। हालांकि हमने आपको पहले ही बताया था कि जितनी सारी अगर सारी पार्टियों का ऐड कर ले हम, तब भी बीजेपी बहुत ज्यादा गुना ऊपर जा चुकी है। अक्सर होता है कि मैंने ये भी हमने डिस्कस किया था कि अक्सर होता है कि जो पार्टी होती है सरकार में उसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स, उसे ज्यादा फंड मिलते हैं, बॉन्ड्स ज्यादा कैश करा पाते हैं वो, क्योंकि उनके पास ज्यादा बॉन्ड्स मिलते हैं उन्हें कंपनियों द्वारा, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा, मतलब बीजेपी को उन कंपनियों से भी मिला है जिन कंपनियों का उतना प्रॉफिट भी नहीं होता था। तो सोचिए कि किस तरीके की धांधलीबाजी इसमें हो रही थी। वहीं इस मामले में दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है, आपको बता दिया गया। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली सबसे बड़ी कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज है।
फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज सबसे ज्यादा बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी है। इस कंपनी ने 1208 बॉन्ड खरीदे हैं जिसकी कीमत 12 अरब रुपए से अधिक रही। तो सोच लीजिए बीजेपी का इसमें कितना हिस्सा रहा होगा। चंदा देने और लेने में कौन सबसे अव्वल रहा, कौन नीचे रहा, आपको ये भी बता देते हैं। चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए चुनावी बॉन्ड की इंफॉर्मेशन में साफ तौर पर लिस्ट में सबसे नंबर पहले नंबर पर बीजेपी है, दूसरे पे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और इस मामले में तीसरे नंबर पर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति है जिसने 14 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को इन कैश कराया है। इसके बाद आता है भारत राष्ट्र समिति ने 12 अरब रुपए और बीजू जनता दल ने 7 अरब रुपए से अधिक से के इलेक्टोरल बॉन्ड को इन कैश कराया है, लेकिन बीजेपी के आसपास कोई नहीं है। यानी इन सब का अगर आप ऐड भी कर दे दोस्तों, मान लीजिए 14, 16 और 12 और 7 इनको ऐड भी कर देंगे तो भी 60 नहीं पूरे हो रहे जितने बीजेपी के हैं। और ये सारे दूसरे तीसरे चौथे पांचवें नंबर के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने वाली सबसे ज्यादा मिलने वाले सबसे बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। इस मामले में पांचवे और छठे नंबर पर दक्षिण भारत की पार्टियां डीएमके और वाईएसआर कांग्रेस युवा सेना रही है। तो ये भी बड़ी पार्टियां हैं तो इतना तो इनको मिलना ही था, पांचवे और छठे नंबर पे तो आएंगे ही। ये तो हो गई कि आखिर कितने कितने के बॉन्ड किस पार्टी को मिले हैं, लेकिन इसके बाद आपको जरा ये भी बता दें कि किस कंपनी ने कितने के बॉन्ड्स खरीदे हैं। एक एक का नाम बताएंगे। सबसे पहले आता है इसमें फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज जिसने 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे हैं। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 966 करोड़ रुपए। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड 410 करोड़ रुपए। वेदांता लिमिटेड 400 करोड़ रुपए। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड 377 करोड़। भारती ग्रुप 247 करोड़ रुपए। एक्सेल माइकिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 224 करोड़ रुपए। वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन 220 करोड़ रुपए। केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड 194 करोड़ रुपए। मदनलाल लिमिटेड 185 करोड़ रुपए। डीएलएफ ग्रुप 170 करोड़ रुपए। यशोदा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल 162 करोड़ रुपए। उत्कल एल्यूमिनी इंटरनेशनल 145.3 करोड़ रुपए। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड 123 करोड़ रुपए। बिरला कार्बन इंडिया 105 करोड़ रुपए। उसके बाद आते हैं रोंगटा सन्स, डॉक्टर रेडीज, पीरामल एंटरप्राइजेस ग्रुप 60 करोड़ रुपए। नवयुग इंजीनियरिंग 55 करोड़ रुपए। शिरडी साई इलेक्ट्रॉनिक्स 40 करोड़ रुपए। एडवाइस ग्रुप 40 करोड़ रुपए। सिप्ला लिमिटेड, लक्ष्मी निवास मित्तल, कृष्ण इंडस्ट्रीज, जिंदल स्टेनलेस, इसके साथ साथ बजाज ऑटो और भी बहुत सारे नाम है आप देख सकते हैं। अल्ट्राटेक, टीवी मोटर, टीवीएस मोटर्स, मारुति सुजुकी इंडिया, इन सभी ने जो है वो खरीदे हैं। इसमें आगे ये भी लिखा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों में कितनी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने बैंक से अधिकतर 1-1 करोड़ रुपए वाले ही ढेर सारे बॉन्ड खरीदे हैं। इन चुनावी बॉन्ड को भुनाने वाली कंपनियों में भारतीय जनता पार्टी, प्रेसिडेंस कांग्रेस, ADMK, BRS, शिवसेना, TDP, IRS, कांग्रेस, द्रमुक, ये सारी पार्टियां जो है ये शामिल हैं। 426 पेज की चुनावी बॉन्ड को कैश कराने वाली इस लिस्ट में तमाम राजनीतिक पार्टियों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा के जो ये बॉन्ड्स हैं वो लिए थे। और इन सभी पार्टी, इन जितनी भी कंपनियां आप देख सकते हैं, किसी ने भी 1 करोड़ से कम के बॉन्ड नहीं खरीदे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये सभी कंपनियां इतनी अधिक प्रॉफिट में थी, या फिर जो 30 कंपनियों के नाम इससे पहले भी आ रहे थे लगातार कि वो ऐसी 30 कंपनियां थी जिसपे कहीं ना कहीं लगातार सवाल उठते रहे हैं, उसके CEO पे हो, कंपनी के हेड पे हो, मैनेजर पे हो, या फिर लगातार उस कंपनी पर भी सवाल उठाए गए हों। ऐसी कई कंपनियां हैं इसमें जो ये भी है कि सरकार द्वारा प्रॉफिट पाकर आगे बढ़ी थी जिसके बाद सरकार को उन्होंने काफी ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेकर दिए, तो ये भी कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बीजेपी को जिस तरीके से इतना ज्यादा मिला, इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले जिसको उन्होंने इन कैश कराया, उसके बाद जनता ये जानने के बाद बीजेपी पे तो सवाल बनता है कि क्या बीजेपी सब कुछ जो है वो इन पैसों के बलबूते पर, इन
फंडिंग्स के बलबूते पर कर रही है एडवर्टाइजिंग वगैरह जितनी भी चीजें हैं, क्या जनता तक वो सच्चाई पहुंच रही है? और जितनी फंडिंग इनको आ रही है, क्या उस फंडिंग का सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है? चुनाव में क्या इतने ज्यादा पैसे खर्च करने वाली बीजेपी एक बार भी ये नहीं सोचती कि दूसरी चीजों में भी इसका कहीं ना कहीं जो है वो असर पड़ेगा, या फिर दूसरी चीजों में इसे इन्वेस्ट किया जा सकता था? खैर, अब इसे लेकर आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बीजेपी के इस लंबे चौड़े डेटा को आप किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।